ऊना में तहसीलदार पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश तहसीलदार संघ ने विरोध जताते हुए आज काले बिल्ले लगाकर कामकाज निपटाया। हमीरपुर के तहसील परिसर में तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों ने अपने विरोध जताते हुए हाथों पर काले बिल्ले लगाकर कार्य किया, तो वहीं कानून को पटवारी संघ की हमीरपुर इकाई ने इस हमले की निंदा की। ऊना में तहसीलदार पर हुए हमले के विरोध में प्रदेश तहसीलदार संघ ने विरोध जताते हुए आज काले बिल्ले लगाकर कामकाज निपटाया। हमीरपुर के तहसील परिसर में तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए हाथों पर काले बिल्ले लगाकर कार्य किया, तो वहीं कानून को पटवारी संघ की हमीरपुर इकाई ने इस हमले की निंदा की। प्रदेश तहसीलदार संघ के प्रदेश महासचिव राजीव ठाकुर ने कहा कि संघ ऊना में तहसीलदार पर हुए हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में पहले भी तहसीलदारों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और संघ सरकार से सुरक्षा की मांग करता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो और तहसीलदार भय मुक्त वातावरण में काम कर सकें। ये परसों तहसील ऊना में एक वायलेंस का इंसिडेंट हुआ, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा तहसीलदार ऊना के ऊपर हमला किया गया, मारपीट की गई, और इस तरह के इंसिडेंट पहले भी तहसीलदारों के साथ जो है काफ़ी तहसीलों में हो चुके हैं। मनीष चौधरी तहसीलदार ज्वाली थे, उनके साथ मारपीट हुई थी। कटारिया जी थे मंडी, उनके साथ मारपीट हुई थी। पीसी आजाद थे देरा, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था। तो इस प्रकार से जो तहसील में तहसीलदार हैं, राजस्व अधिकारी हैं, अगर वो तहसील कार्यालय में सुरक्षित नहीं है तो राजस्व विभाग के बहुत सारे कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो बहुत ही खतरे की घंटी है। जिस तरह से पब्लिक का व्यवहार या आक्रोश है, तो उसके प्रति सरकार से मांग है कि राजस्व अधिकारियों को जो है वो सुरक्षा दें, जो इस तरह के कार्य करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अभी जो तहसीलदार ऊना के खिलाफ जो जिस व्यक्ति ने मारपीट की है उसके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, ये संघ की मांग है। वहीं कानू को पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष अमरजीत मनकोटिया व प्रेस सचिव सतीश सुमन ने इस हमले की निंदा की और सरकार से मांग की कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने तहसील परिसर में हुई घटना को दोबारा ना हो इसके लिए सरकार से कड़ा फैसला लेने की मांग की। जो हमला हुआ है तहसीलदार के ऊपर, क्या बोलते हैं कानू संघ इस बारे में? हम इसका संघ द्वारा जो है पूरा विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी ये हरकत तहसीलदार ऊना से की गई है वो आइंदा ना हो, और जिस भी व्यक्ति ने ऐसा घिनौना कार्य किया है उसके विरुद्ध जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। संघ इसका पूरी तरह से विरोध करता है। कार्यक्रम में वक्त चला है, छोटे समय टाइम होते हैं ब्रेक के बाद।